एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रात का सीन और एक जंगल, और फिर हमें दिखाया जाता है सीलेन और मीना को जो कि एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे रहते हैं, और वहाँ पे एक इंसान बेहोश भी पड़ा रहता है और वो दोनों कहती हैं कि हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारे लोग रहते हैं, और फिर वहाँ पे रियो ललॉइड से पूछती है कि ललॉइड तुम इस हॉलीडे के समय में क्या करने वाले हो, और ललॉइड कुछ कहता उससे पहले ही सिलेन वहाँ पे रोने लगती है और कहती है उसके घर वालों ने उसे वापस से बुला लिया है और सिलेन शायद से ललॉइड के साथ ये हॉलीडे नहीं मना पाएगी। और फिर सिलेन कहती है अगर उसके घर वालों ने कहा कि तुम्हें पूरे समय घर ही पे रहना होगा तो फिर वो क्या करेगी, और फिर सिलेन बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर कहती है अगर मैंने अपने घर को मोलो कॉकटेल से जला दिया तो फिर वो लोग क्या कर पाएंगे, और सिलेन ये भी कहती है यही सबसे बेस्ट रहेगा। और तभी वहाँ पे एरन आ जाता है और कहता है उसे एक मैरिज मीटिंग में जानी है नहीं तो वो ललॉइड के साथ ही रहता, और वो और भी बहुत सारी बेकार की बातें कहने लगता है। और सिलेन और रियो ललॉइड को लेके वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं तुम्हें इसको सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है मैरी और एल्का लड़ाई कर रहे रहते हैं आपस में कि इस बार हॉलीडे में कौन ललॉइड के साथ रहेगा, और तभी ललॉइड वहाँ पे आ जाता है और कहता है चीफ आप भी यहाँ पे हैं, और ललॉइड उन दोनों से कहता है वो कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करने जा रहा है और वो यहाँ पे नहीं रहेगा। और फिर ललॉइड बताता है कि क्रोम के कहने पे वो किसी की मदद कराने जा रहा है जिसका एक बहुत बड़ा होटल है, और मैरी और एल्का सोचने लगते हैं एक छोटी सी ट्रिप ये उतना भी बुरा नहीं होगा, हमें भी एक बुकिंग करा लेनी चाहिए। और फिर ललॉइड कहता है कि अगर आप लोग आएंगे तो मुझे परेशानी होगी काम करने में, और ये सुन के मैरी और एल्का के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और उस बड़े से रेस्टोरेंट का मालिक कहता है एक बच्चा जो कि पार्ट टाइम जॉब करने वाला है कुछ ही समय में आता होगा, और ललॉइड की ताकत को महसूस करने से ही उस रेस्टोरेंट के मालिक की हालत खराब हो जाती है और उसे लगता है कि वो भी मरने वाला है। और ललॉइड आता है और कहता है मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने आया हूँ, और रेस्टोरेंट का मालिक ये भी कहता है क्रोम ने सही कहा था तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और फिर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी चीजें हो रही हैं जैसे कि लोग बार बार सो जा रहे हैं, इससे किसी को खतरा तो नहीं है पर ये बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है। होटल का मालिक कहता है कि मुझे तुम्हें कोई काम देना चाहिए, और फिर रेस्टोरेंट का मालिक कहता है तुम्हें ये बड़ी सी जगह को साफ करना है, और फिर ललॉइड कहता है बस, और फिर वहां से एक लड़की निकलती है और ओनर से बात करने लगती है। फिर ओनर उस लड़की से कहता है तुम कभी भी काम नहीं करती हो और हमेशा सोती रहती हो जैसे ही मैं अपनी नजरें हटाता हूँ तुमसे तो। और फिर ओनर बताता है अब से ललॉइड तुम्हारे साथ ही काम करेगा साफ सफाई में, और फिर वो लड़की अजीब तरीके से हंसती है, और रेस्टोरेंट के मालिक के जाते ही वो उसे एक झाड़ू पकड़ा देती है और फिर वो कहती है मैं तुम्हें काम देती हूँ कि तुम सारे के सारे जगहों को साफ कर दो, और फिर वो इंस्ट्रक्शन देने लगती है कि ऐसे ऐसे साफ करना है, तब तक मैं ललॉइड सारा कुछ साफ कर देता है। और फिर ललॉइड कहता है कि मैंने सब कुछ साफ कर दिया है, और फिर ललॉइड कहता है मैंने तो छत साफ ही नहीं किया, फिर वो छत भी साफ करने लगता है और देखते ही देखते वो छत भी साफ कर देता है। और फिर वहाँ पे होटल का मालिक आ जाता है और कहता है तुम लोग को परेशान करने के लिए माफ करना, और फिर वो लड़की कहती है ये लड़का क्या है, और फिर रेस्टोरेंट का ओनर ललॉइड के साथ चला जाता है और कहता है तुम उसे जैसा उम्मीद किया था वैसा ही किया। और फिर हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का मालिक थोड़ा डरा हुआ रहता है क्योंकि उस होटल में एक नोबल आया रहता है और उससे मिलना काफी खतरनाक बात हो सकती है, और वो नोबल होटल के मालिक से कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते थे यहाँ पे, और तभी उस नोबल का वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और फिर वो नोबल अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और फिर नोबल ललॉइड से कहता है तुम्हारी क्या राय है इन पेड़ों के बारे में, और ललॉइड कहता है वैसे ये काफी सुंदर है और ये सारे के सारे पेड़ काफी अच्छे से और एकदम सीधे उगे हैं, और ललॉइड के इस जवाब से वो नोबल काफी खुश हो जाता है। आमतौर पर वो नोबल किसी को पसंद नहीं करता है पर वो ललॉइड को पसंद करने लगा था उसके इस जवाब की वजह से। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नोबल किसी से बात कर रहा रहता है, और वो नोबल जिससे बात कर रहा रहता है वो वही लड़की रहती है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, और फिर वो लड़की कहती है तुम्हारे यहाँ पे जल्दी आने का कारण क्या है, और फिर वो नोबल कहता है मुझे बस उनके बुरे इरादों का पता लगाना है, और वो बताता है एक पेड़ है जिसकी वजह से सब लोग सो जा रहे हैं रात को और उसे जिसने भी लगाया होगा वो काफी ताकतवर होगा। फिर वो लड़की कहती है मैं एक इंसान को जानती हूँ जो बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो यहाँ पे नया नया काम करने आया है, और वो नोबल उसे एक जार देता है जिसके अंदर एक हर्ब रहती है, और वो नोबल कहता है कि इसे उसके ऊपर इस्तेमाल करना जो नया नया आया है और इससे हमें पता चल जाएगा कि वो इस सब के पीछे है या नहीं। और फिर वो लड़की एक चाय बना के ललॉइड के पास आ जाती है और कहती है कि यहाँ पे बहुत लोग सो रहे हैं इसलिए तुम्हें ये चाय पी लेनी चाहिए नाइट शिफ्ट के तौर पे, और तभी वहाँ पे होटल का मालिक आ जाता है और कहता है तुम लोग रात के समय में यहाँ पे चाय पी रहे हो काम करने के बजाय, और वो इस चाय को पी लेता है और फिर उसके बाद कहता है इस चाय को तो कोई भी नहीं पी सकता है, और तभी वहाँ से वो लड़की भाग जाती है खिड़की से कूद के। और तभी हमें दिखाया जाता है कि रियो वहाँ पे होटल में आ चुकी थी और वो होटल के स्टाफ को कुछ लेके आने के लिए कहती है, तभी वहाँ पे ललॉइड आ जाता है और रियो ललॉइड को देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो,
तो ललाइट बताता है कि मैं यहाँ पे एक पार्ट टाइम जॉब की तरह काम कर रहा हूँ। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जंगल को, जहाँ पे एक बगी में सेलेन और उसके फादर बैठे रहते हैं। और सेलेन अपने फादर से कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और फिर सेलेन कहती है कि ये ड्रेस कुछ ज्यादा अजीब नहीं है एक जगह पे जाने के लिए। और फिर हमें पता चलता है कि सेलेन के साथ धोखा हो गया है। और फिर दो मेड कहती हैं गुड लक, और फिर सेलेन के फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारी शादी एक एलीट स्क्वाड के मेंबर के साथ होने वाली है, और वो एरन होता है। और हमें एपिसोड की शुरुआत में भी बताया जाता है कि एरन एक मैरिज मीटिंग में जाने वाला है। और फिर तभी सेलेन कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, और तभी उसके फादर उसके सामने तेजी से आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। और फिर हमें मैरिज मीटिंग का समय दिखाया जाता है, और नोबल जो कि एरन का फादर रहता है वो कहता है कि आप लोग को देरी कराने के लिए माफ़ कीजिएगा। और फिर सेलेन काफ़ी डरावने तरीके से कहती है मैंने जो मोडल कॉकटेल बनवाई थी आग लगाने के लिए वो अभी तक आ जाएगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। और फिर सेलेन कहती है मुझे अपने सच्चे प्यार ललॉइड के लिए एक एक्शन लेना होगा। और फिर सेलेन कहती है मेरी मैरिज मीटिंग एरन के साथ नहीं हो सकती है। और फिर वो कहती है ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। और फिर वो कहती है शायद से मुझे एरन की सांसें रोक देनी चाहिए, मतलब कि उसे मार देना चाहिए। और फिर वो प्लानिंग करने लगती है कि वो एरन को किस तरीके से मारेगी। और फिर वो कहती है यहाँ से दरवाजे तक की दूरी को बेल्ट से जंप करके कवर किया जा सकता है। और फिर वो कहती है बाकी तो सिर्फ और सिर्फ एरन के गले के अंदर और दिल के ऊपर मुझे बस फोक और नाइफ से हमले करने हैं, और वहाँ पे फोक और नाइफ को फंसा देना है। और फिर नोबल कहता है शायद से मेरा बेटा आ चुका है, और सेलेन पूरी तरीके से तैयार रहती है फोक और नाइफ लेकर के। और सेलेन ये भी कहती है भगवान जरूर इसे माफ कर देंगे। और फिर वहाँ से ललॉइड निकलता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा देरी के लिए। तब तक सेलेन कूद चुकी थी क्योंकि उसे लगा था कि दरवाजे से एरन निकलने वाला है, पर वहाँ से ललॉइड निकलता है। और ललॉइड को देखते ही सेलेन फोक को दूसरी तरफ फेंक देती है, और सेलेन ललॉइड को देखते हुए कहती है भगवान आपने मेरी बात सुन ली। और वो ललॉइड के ऊपर कूद जाती है, और वो अपने फादर और नोबल से कहती है बाकी सब आप लोग यंगस्टर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। और फिर नोबल सेलेन के फादर से कहता है हमें बाकी सारी चीज़ों पे बात करने चाहिए। और फिर सेलेन ललॉइड को देखते हुए कहती है आपने सच में मेरी प्रेयर्स की आंसर दिए भगवान। और तभी वहाँ से रियो आती है और उसका सर पकड़ के कहती है तुम तो यहाँ पे एरन के साथ मैरिज मीटिंग के लिए आई थी ना, तो यहाँ पे ललॉइड के साथ क्या कर रही हो। और रियो ये भी कहती है कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एरन आने वाला था तो ललॉइड कैसे आ गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय पहले क्या हुआ था, एरन एक जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था और उसे बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था क्योंकि इस होटल के पास बहुत सारे लोग सोए पड़े मिलते हैं, इसलिए एरन भी वहाँ पे सो गया। और फिर सब लोग कहते हैं हमें इसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि नोबल काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि एरन सो चुका था और मैरिज मीटिंग में जाने के लिए कोई भी नहीं था। और तभी वो वहाँ पे ललॉइड को देखता है, और फिर रियो कहती है तुम इतने अच्छे क्यों हो ललॉइड। और फिर सेलेन कहती है हमें कर्पलेट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो भी इस चीज के लिए गिल्टी है वो अपना अगला मूव जरूर चलेगा। और फिर ललॉइड कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लग गई।